मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी 3 महीने के सबसे उच्च स्तर 7.8% पर रही। बता दें देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30% हो गई थी, लेकिन जनवरी में यह घटकर 7.14% रह गई और अब यह फरवरी में फिर से बढ़कर 7.45% हो गई थी। CMI के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, मार्च 2023 में भारत का श्रम बाजार खराब हो गया। बेरोजगारी दर फरवरी में 7.5% से बढ़कर मार्च में 7.8% हो गई। इसका प्रभाव श्रम बल भागीदारी दर में एक साथ गिरावट से जुड़ा है, जो 39.9% से गिरकर 39.8% हो गई थी। आज PM मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। PM मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में इंदौर में हुए हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपना दुख प्रकट किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। PM मोदी ने आगे कहा कि आज MP को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। इस ट्रेन के मिलने से भोपाल से दिल्ली के बीच सफर और तेज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस स्टेशन पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका लोकार्पण भी मैंने ही किया था। PM मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें तुष्टिकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टिकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया है। वो लोग वोट बैंक के तुष्टिकरण में जुटे हुए थे और हम देशवासियों के संतुष्टिकरण के प्रति समर्पित हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी ही देर में पटियाला जेल से रिहा होंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बता दें कि वर्ष 1988 के रोड रेस के मामले में 59 वर्षीय सिद्धू 1 साल जेल की सजा काट रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने पटियाला की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल भेज दिया गया और हाईकोर्ट ने उन्हें 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि अब PM मोदी की डिग्री पर संदेह और बढ़ गया है। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर BJP भी चुप नहीं बैठी और पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि घोटाले में सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल हैं। BJP नेता ने कहा कि डिग्री की आड़ में केजरीवाल भ्रष्टाचार छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज पब्लिक डोमेन में है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, उसे मांगने के लिए कोर्ट में जाना अदालत का समय बर्बाद करना है। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने मामले पर गुजरात हाईकोर्ट का आदेश भी पढ़ा और कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने और संवैधानिक उपकरणों का दुरुपयोग करने के लिए ऐसा किया है। BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अद्भुत पॉलिसी दी थी, एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री। दिल्ली में सबसे ज्यादा फ्री की रेवड़ी बेवड़ों को मिली थी, एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री। त्रिवेदी ने कहा, जब आदमी ज्यादा पी लेता है तो मानसिक संतुलन खो देता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया है, वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और नैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर पर आ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये बहुत चतुर और सयाने हैं, ये पढ़े हैं लेकिन लिखे नहीं हैं। वे किसी फाइल पर साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं है, अपने पास कोई विभाग नहीं रखते। सत्येंद्र जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया से साइन करवाएंगे, पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में याचिकाएं दायर करने के लिए दिल्ली CM केजरीवाल पर कोर्ट ने हाल ही में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद अब दिल्ली CM ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से PM की डिग्री के बारे में पूछा। दिल्ली CM ने इस दौरान कहा कि किसी का कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना गुनाह या पाप नहीं है। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? देश को 75 साल में जितनी तरक्की करनी चाहिए थी नहीं की। 21वीं सदी के युवा तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, ऐसे में देश के PM का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन PM के ऐसे बयान आते हैं जैसे नाली में गैस निकलती है उससे चाय बन सकती है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया था कि लोग PM के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं ले सकते। इससे देश स्तब्ध है। किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। हमारे देश में गरीब हैं लोग, घर की स्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाते। केजरीवाल बोले कि कनाडा में PM ने A+B को लेकर जो कहा वो सबने देखा। उन्होंने बच्चों से कहा कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, जबकि यह हकीकत है। वहाँ बच्चे हंस रहे थे, ऐसे में संदेह होता है कि क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री को एक ही दिन में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं। अगर वे पढ़े नहीं होंगे तो अधिकारी उनसे कहीं भी दस्तखत करा लेंगे। जैसे नोटबंदी हुई, GST लागू हुआ, इनसे अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ।
कृषि कानून ऐसे ही लाए गए। पिछले कुछ साल में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए, यानी शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही है। अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर और संशय बढ़ा दिया है। अगर डिग्री है और सही है तो दिखाई क्यों नहीं जा रही? कुछ समय पहले अमित शाह ने एक डिग्री दिखाई थी। यह हो सकता है कि अहंकार में नहीं दिखा रहे हों। जनता के मन में दूसरा सवाल यह है कि हो सकता है डिग्री फर्जी हो। अगर प्रधानमंत्री दिल्ली या गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इन्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आज का सवाल यही है कि क्या 21वीं सदी के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामनवमी के दिन बालेश्वर झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे के चलते 36 दुखद मौतें हो गई हैं और 18 घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज पीड़ित परिवारों के परिजनों समेत घायलों से मिलने इंदौर पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा बावड़ी में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 12 घंटे बाद आर्मी को बुलाए जाने पर कमलनाथ ने कहा कि फौज 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं, और इंदौर को हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, यह बड़े शर्म की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर जिले हर बड़े नगर में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंच जाए। इसके साथ ही कमलनाथ ने इस घटना को अवैध निर्माण का परिणाम बताते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार से कहा कि 7 दिन में जो लोगों ने मांग की है अवैध निर्माण की, उसे तोड़ा जाए। अगर अवैध निर्माण 7 दिन के अंदर नहीं तोड़ा गया तो हम कोर्ट जाएंगे और PIL दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हादसे के अपराधियों को दंडित किया जाए और इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। यह हादसा अवैध निर्माण का ही परिणाम है। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि पीड़ितों के परिजन कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने हमारी बात तक नहीं सुनी। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ इवेंट का सोचते हैं, मीडिया के सामने आए तो 2 शब्द बोलते हैं और मामला खत्म, मुआवजे देकर सोचते हैं कि सब कुछ साफ हो जाएगा। IPL के पहले मुकाबले में आज किंग्स 11 पंजाब ने जीत के साथ शुरुआत की। पंजाब ने अपने 20 ओवर में 191 रन बनाए थे, लेकिन मोहाली में बारिश के बाद DL मेथड लागू हुआ और कोलकाता को 16 ओवर में 153 रनों का लक्ष्य मिला। इसके बाद कोलकाता लक्ष्य से 7 रन पीछे रह गई और अपने मिले 16 ओवरों में 146 रन ही बना सकी। IPL के आज दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने हैं। टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लखनऊ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। लखनऊ की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिली है और 11 ओवर के बाद KL राहुल की टीम ने 2 विकेट खोकर 98 रन बना लिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।